मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है, लेकिन सोच रहा हूँ कि कौन सी मेथड से करवाऊँ, एफयूटी मेथड से करवाऊँ या फिर एफयूई मेथड से करवाऊँ। चलो एफयूटी से करवाता हूँ, अच्छा रिजल्ट आएगा। एफयूई से करवाता हूँ, अच्छा रिजल्ट, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। एफयूटी बेटर है एफयूई से, एफयूई बेटर है एफयूटी से, एफयूटी एफयूई, एफयूटी एफयूई, एफयूटी एफयूई। कन्फ्यूज़न बिल्कुल होने की ज़रूरत नहीं है आपको कंफ्यूज, पहले रुक तो जाओ। अरे रुको तो सही, पहले जान तो लो एफयूटी और एफयूई में क्या डिफरेंस है, फिर डिसाइड कर लेना। देखिए एफयूटी और एफयूई दोनों मेथड अच्छी है, लेकिन ये मेथड की चॉइस डिपेंड करती है कि पेशेंट की नीड क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको कितना हेयर लॉस हुआ है और आपकी जो सर्जरी परफॉर्म करने वाले हैं आपके हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर, उसकी एक्सपर्टीज़ कौन सी मेथड में। तो एफयूटी और एफयूई में क्या डिफरेंस है ये समझने से पहले आपको हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसेस क्या होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अब देखिए हेयर ट्रांसप्लांट बहुत सिंपल प्रोसेस है, जिसमें एक जगह से बाल निकालना है और दूसरी जगह पर बाल लगाना है। जिससे जहाँ से हम निकालते हैं उसे डोनर एरिया बोलते हैं, और जहाँ पर हमें रखना है जो हमारा डिजायर्ड एरिया है उसे रिसिपिएंट एरिया बोलते हैं। तो जब आपकी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी होती है उस दिन दो मेन स्टेप होते हैं। एक पहला स्टेप होता है कि जहाँ पर डोनर एरिया यानी कि आपके सिर के जो पीछे का हिस्सा है वहाँ से बाल को बाहर निकाला जाता है, और दूसरा स्टेप होता है रिसिपिएंट एरिया कि जहाँ पर आपको हेयर की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर वो बाल को रखा जाता है। अब हम बात करते हैं, अगर आपको ये समझ में आ गया कि किसे डोनर बोलते हैं किसे रिसिपिएंट बोलते हैं, तो अब हम बात करते हैं कि एफयूटी और एफयूई में क्या डिफरेंस होता है। तो दोनों टेक्नोलॉजी में जो मेजर डिफरेंस होता है वो होता है डोनर एरिया में, स्टेप वन में, कि जब आपके हेयर आपके डोनर एरिया से बाहर निकाले जाते हैं। तो उसके बाद जो इम्प्लांटेशन प्रोसेस होता है यानी कि रिसिपिएंट एरिया में जो बाल वापस लगाए जाते हैं वो सेम होती है प्रोसेस दोनों टेक्नोलॉजी में। अब हम समझते हैं कि एफयूटी में डोनर एरिया में हेयर कैसे बाहर निकाले जाते हैं। तो जनरली एफयूटी को स्ट्रिप मेथड भी बोला जाता है। क्यों स्ट्रिप मेथड बोला जाता है? क्योंकि उसमें आपके जो डोनर एरिया की स्किन है वो स्किन की पूरी स्ट्रिप बाहर ली जाती है, कुछ ऐसे ही साइज़ में और ऐसे ही शेप में। तो इसके अंदर आपके हेयर होते हैं, बहुत सारे हेयर होते हैं, सारे हेयर होते हैं, जितना भी एरिया इसमें दिख रहा है उसके अंदर आपके पूरे हेयर होते हैं, पूरे स्ट्रक्चर के साथ हेयर होते हैं, उसके रूट भी आ जाता है और उसके आसपास की पूरी टिश्यू भी आ जाती है। और जब ये स्ट्रिप बाहर निकल जाती है फिर उसमें से एक एक हेयर को, एक एक फॉलिकुलर यूनिट को बहुत केयर के साथ सेपरेट किया जाता है। उसको प्रॉपर नाइफ या फिर ब्लेड, सर्जिकल ब्लेड यूज़ करते हुए एक एक को सेपरेट करते हैं, और सेपरेट करने के बाद उसको क्लीन किया जाता है, स्टोर किया जाता है। और उसके बाद आपको मालूम है स्टेप टू कि अभी हेयर रेडी है वापस इम्प्लांट होने के लिए। तो आपका जो रिसिपिएंट एरिया है उसके अंदर उसको फिर से सेम मेथड से इम्प्लांटेशन किया जाता है जो एफयूई में होता है। उसके बाद आपकी जो ये पूरी स्ट्रिप पीछे से बाहर निकाली हुई है, पूरी स्किन की टिश्यू बाहर निकाली हुई है, तो आपके जो स्किन की दोनों सरफेस है उसको साथ में लेके वहाँ पर स्टिच लिए जाते हैं, जिसे हम एफयूटी या स्ट्रिप मेथड बोलते हैं। तो कंपेरेटिवली जो एफयूटी प्रोसीजर होता है वो थोड़ा सा मोर इन्वेजिव होता है, और जब वो स्टिच लिया हुआ है उसकी वजह से वहाँ पर जो हीलिंग होता है वो हील होता है एक लीनियर स्कार के साथ। और ये जो लीनियर स्कार होता है वो कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है हील होने में, क्योंकि ये कंपेरेटिवली ज़्यादा इन्वेजिव प्रोसीजर है एफयूटी, वो टाइम भी और उसमें हीलिंग टाइम भी ज़्यादा होता है, रिकवरी टाइम भी ज़्यादा होता है, और उसमें कंपेरेटिवली आपको पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी ज़्यादा करनी पड़ती है। और जैसे इस कार की साइज़ और शेप कंपेरेटिवली बड़ा होता है उसकी वजह से उसको हाइड करना कंपेरेटिवली थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसको हाइड करने के लिए आपको
लंबे हेयर लॉन्ग हेयर रखने पड़ते हैं आपके डोनर एरिया में। तो ये तो बात हो गई FUT के बारे में कि कैसे FUT के दौरान आपके जो हेयर है उसको आपके ग्राफ्ट को बाहर निकाला जाता है। अब हम बात करते हैं FUE के बारे में। लेकिन बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से दैट माई सेल्फ डॉक्टर विवेक गलानी चीफ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट RQC हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक सूरत इंडिया। After doing thousands of hair transplant and implanting more than a millions of hair follicle, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ कि FUT और FUE मेथड में क्या डिफरेंस होता है। तो आइए जानते हैं अब FUE के बारे में। तो जो FUE मेथड में ग्राफ्ट हार्वेस्टिंग जो होता है वो स्ट्रिप मेथड से नहीं किया जाता है। उसमें आपकी पूरी स्किन और सारी चीज़ें बाहर नहीं निकाली जाती, लेकिन उसके सामने बहुत ही एडवांस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए एक एक हेयर फॉलिक्यूलर यूनिट को बाहर निकाला जाता है। मान लो कि ये 5 हेयर फॉलिक्यूलर यूनिट्स है और ये नीचे की आपकी स्किन है। तो वो मशीन जो टेक्नोलॉजी है वो क्या करेंगे कि उसके आसपास वो घूमेगा और घूमते घूमते वो अंदर जाके आपके हेयर को आपकी स्किन से सेपरेट कर देगा। एक बार वो सेपरेट हो गया फिर वो फॉलिक्यूलर यूनिट को बहुत जेंटली पुल करके बाहर निकाला जाता है। ऐसे करके वन बाय वन आपको जो भी ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है वो सारे फॉलिक्यूलर यूनिट्स को वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सेपरेट करते हैं और उसको बाहर ले लेते हैं। एक बार वो बाहर आ जाते हैं उसके बाद वो प्रोसेस सेम फॉलो होती है जो FUT में फॉलो होती है कि उसको क्लीन किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है और फिर उसको वापस रिसिपिएंट एरिया में रख दिया जाता है। और क्योंकि FUE में स्ट्रिप नहीं निकाली गई है, पूरी स्किन नहीं निकाली गई है, इसलिए वहाँ पर आपको स्टिचेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो जो सिंगल सिंगल हेयर फॉलिकुलर यूनिट्स बाहर आए हैं वो हील होते हैं बहुत ही छोटे फाइन स्मॉल राउंड ओवल हाइपोपिगमेंटेड स्कार के साथ। तो क्योंकि इसमें स्टिच नहीं लिया है और इंडिविजुअल स्कारिंग है तो हील भी फास्ट होता है, इसमें रिकवरी टाइम भी कम होता है और ऑलमोस्ट 3-4 दिन के अंदर आपका जो डोनर एरिया होता है वो ऑलमोस्ट 80% हील हो जाता है और बाकी का जो 20% है वो इंडिविजुअली जो वेरिएशन हीलिंग टाइम रहता है बट विद इन 7 डेज ऑलमोस्ट आपका जो डोनर एरिया बहुत अच्छे से हील हो जाता है। और जो सबसे अच्छी बात है FUE मेथड के बारे में वो है उससे जो भी स्कारिंग होती है, जो इंडिविजुअल छोटे छोटे राउंड ऑयल स्कार्स होते हैं उसको हाइड करना बहुत ईजी होता है। इवन आप शॉर्ट हेयर के साथ भी बहुत अच्छे से FUE के जो स्कार है उसको ईजीली हाइड कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि FUT और FUE वो स्टेप 1 में ही उसमें डिफरेंस है, यानी कि जो बाल निकालने की प्रोसेस है वहाँ पर ही वो डिफरेंस होता है। उसके बाद की जो इम्प्लांटेशन की प्रोसेस है वो सेम होती है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि आपको कौन सी मेथड चूज़ करनी चाहिए आपकी हेयर ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस के लिए। तो जैसे मैंने बताया कि दोनों मेथड अच्छी है जब वो सही पर्सन के ऊपर सही टाइम पे वो मेथड के जो एक्सपर्ट डॉक्टर है उनके द्वारा परफॉर्म की जाए। कोई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसके लिए FUT बेटर चॉइस होती है, कोई पेशेंट ऐसे होते हैं जिसके लिए FUE मेथड बेटर चॉइस होती है और कोई पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें कंबाइनिंग बोथ द मेथड इज़ अ बेटर चॉइस। तो जो टेक्नोलॉजी को चूज़ करना है वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको उसका जो अवेलेबिलिटी ऑफ डोनर एरिया है वो कैसा है, डोनर की हेल्थ कैसी है, उसके सामने उसका हेयर लॉस कैसा है, एक्सटेंसिव है, मीडियम है या ज़्यादा है या कम है। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपके जो एक्सपर्ट डॉक्टर है वो आपके लिए जो बेटर टेक्नोलॉजी बेटर मेथड है वो चूज़ करते हैं। लेकिन इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल अभी 2023 में जो FUE है वो दोनों के लिए प्रिफर्ड चॉइस है, पेशेंट के लिए भी और सर्जन डॉक्टर के लिए भी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके एडवांटेजेस, जैसे कि उसमें आपको लीनियर स्कार नहीं होता है,
उसका जो डाउन टाइम है वो कंपैरेटिवली कम होता है, फास्ट रिकवर करता है, फास्ट हीलिंग होती है और उसके साथ साथ जो कॉम्प्लिकेशंस है वो भी कम हो जाते हैं। सो आई होप कि आपका जो FUT मेथड और FUE मेथड के बीच में जो भी कन्फ्यूज़न था वो दूर करने में मैं आपकी हेल्प कर पाया हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है, आप डेफिनेटली हमें कमेंट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप हमारी टीम के साथ बात कर सकते हो, वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। सी यू सून।